एक एक बच्चे ने लिखा है। पहले तो बच्चों मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बात लिख कैसे देते हो। मुझे किसी लड़की ने लिखा, ये तोशीम रजा, ये लड़का है, ये क्या लिखता है, अरविंद सर मोदी अंधभक्त हैं। ये तुझे कैसे पता भाई, ये तुझे कैसे पता कि मैं मोदी अंधभक्त हूँ, है ये बता तू मुझे पहले। मतलब तुम्हें तुम ज्यादा बड़े हो गए हो या तुम्हें कुछ ज्यादा सिखा दिया गया है, ये तो समझाओ कि तुम्हें कैसे पता कि मोदी अंधभक्त। गवर्नमेंट का फैसला है, बच्चों के लिए आया है, और ऑब्वियसली अगर तुझे इतना ही जोश चढ़ रहा है तो जाता एग्जाम देने के लिए, कौन मना करता है, जा। मतलब ये अजीब से लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या तो मोदी जी का लेना क्या मेरा लेना। और वैसे भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, समझ में आया, हमने उन्हें चुन के भेजा है। अब वो चाहे किसी भी पार्टी के होते, हमारे लिए अभी देश इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं। और तुम्हें भी अपने प्रधानमंत्री कम से कम रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, तुम भी तो बच्चों में ही आते हो। और एग्जाम, अब देखो ये कितनी अजीब से लोग हैं, एग्जाम कैंसिल ना करें तो तुम सुनाओगे, एग्जाम कैंसिल कर दें और जो खबर सुनाए तो भी तुम गवर्नमेंट को सुनाओगे, और जो जो बता रहा होगा उसको अंधभक्त कहोगे। इसमें अंधभक्त की क्या बात है, और तुम्हें कौन सिखाता है ये पीछे से ऐसी बातें। और दूसरी बात, दूसरों के कहने पर मत जाओ, और हम दूसरों के कहने पर अपना दिमाग हर चीज में लगा दो। कोई चीज सही है तो उसको सपोर्ट करो, गलत है तो उसको सपोर्ट मत करो। सही और गलत का ही फैसला आपको करना होता है, और इतना ऊपर वाला दिमाग देता है, समझ में आई। तो अगर तेरे में, तू जो भी था भाई, तेरे में अकल है तो भैया तू भी लगा के देख ले क्या इस सिचुएशन में एग्जाम कराना सही है, तू बता। ज्यादा तू नेता बन रहा है तो ये अलग, पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं, कौन से यूनिवर्स से आते हैं, समझ से परे। इनके लिए कुछ अच्छा कर दो तो, बुरा कर दो तो, समझ नहीं आता कहाँ से आते हो भाई, तुम कौन से यूनिवर्स से आते हो। अब बेवकूफों भरी बातें करने से पहले ना बेटा, ऊपर वाले ने दिमाग दिया होगा, तो किसी भी मुद्दे को जड़ से सोच के खुद भी दिमाग लगा लिया करो। हमको अंधभक्त बोलने से पहले तुम भी सोचो कि तुम भी किसी बातों में, किसी के बातों में आके हमें अंधभक्त बोल रहे हो, तो तुम भी अंधभक्त काम तो हो नहीं, समझ में आता है। इसलिए अगली बार मत बोलना। हाँ, और नहीं पसंद आता तो भैया आता ही क्यों है, तो निकल यहाँ से, तेरे को किसने कहा आने के लिए बेवकूफ। अरे चार बात सुनते हो रहा नहीं आते आते क्यों।